गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी व्याकरण। और आज का हमारा विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों के पूर्व जुड़कर उनमें अर्थ परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, वे किसी न किसी शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनके अर्थ में बदलाव आता है। जैसे गम का अर्थ है दुख, उसके आरंभ में सु उपसर्ग लगाने पर सुगम शब्द बनता है और उसका अर्थ है सरल। वैसे ही अन शब्द में इच्छा जोड़ने पर अनिच्छा शब्द बनता है। दुर में लब जुड़ने से दुर्लभ शब्द बनता है। अनु में गमन शब्द जुड़ने से अनुगमन। हिंदी में प्रयोग होने वाले अधिकांश उपसर्ग संस्कृत के हैं, तो भी कुछ उपसर्ग हिंदी के और कुछ विदेशी हैं। वे इस प्रकार है। संस्कृत उपसर्ग। उपसर्ग है अ और उससे बनने वाला शब्द अमृत, अपवित्र, अज्ञानी, अन्याय, अदृश्य। उपसर्ग है अति, उससे बनने वाला शब्द अत्याधिक, अत्याचार, अतिक्रम, अतिबल, अतिरंजित। उपसर्ग अधि, उससे बनने वाला शब्द है अधिकार, अधिभार, अधिकरण, अधिपति, अधिराज। अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द अनुसरण, अनुगमन, अनुकरण, अनुरूप, अनुसार। अभि उपसर्ग से बनने वाला शब्द अभिमुख, अभिमय, अभिजात, अभिजन, अभिनंदन। आ उपसर्ग से बनने वाला शब्द आजन्म, आमरण, आजीवन, आकांक्षा, आकार। प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिष्ठित। सह उपसर्ग से बनने वाला शब्द सहयोग, सहकार, सहचर, सहपाठी। हिंदी उपसर्ग। उपसर्ग है अ, उपसर्ग से बनने वाले शब्द अचल, अपढ़, अगढ़, अनजान। उपसर्ग अध, उससे बनने वाले शब्द अधपका, अधकचरा, अधमरा। उपसर्ग अन, उससे बनने वाला शब्द अनगिनत, अनपढ़, अनदेखा, अनचाहा। उपसर्ग है उन, उससे बनने वाले शब्द उनसठ, उनतीस, उनहत्तर, उनचास। कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द कुमाता, कुपुत्र, कुपात्र, कुलक्षण, कुसंग। नी उपसर्ग, इससे बनने वाले शब्द निडर, निढाल, निकम्मा। उपसर्ग है स, उससे बनने वाले शब्द सरस, सशक्त, सशंक। उपसर्ग है सु, उससे बनने वाले शब्द सुघड़, सुरेखा, सुजान, सुडौल, सुमंगल। विदेशी उपसर्ग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है उपसर्ग कम, इससे बनने वाले शब्द कमसिन, कम अक्ल, कमज़ोर, कम उम्र। दूसरा उपसर्ग है गैर, इससे बनने वाले शब्द गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर हाजिर। उपसर्ग ना, इससे बनने वाले शब्द नालायक, नाकाम, नाखुश, नापसंद। विदेशी उपसर्ग में अगला है हम, इससे बनने वाले शब्द हम उम्र, हम सफ़र, हम राज, हम रोज़। विदेशी उपसर्ग में है
हर इससे बनने वाला शब्द, हर एक, हर दम, हर पल, हर दिन, हर रोज़, हर क्षण। अब देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में अधिकांश प्रत्यय अपने ही हैं। प्रत्ययों के दो प्रकार हैं, वे हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा, ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्द रचना में सहायक होते हैं। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों के मुख्य पांच प्रकार हैं, वे हैं क, कृत्र, वाचक, कृत प्रत्यय। इसकी परिभाषा है, जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले यानी व्यक्ति का बोध होता है उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हार, हार से बनने वाला शब्द देनहार, होनहार। उसी तरह व्या, व्या से बनने वाला शब्द वैया। उ प्रत्यय से बनने वाले शब्द रट्टू, टट्टू, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले शब्द यक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़। ख कर्मवाचक कृत प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन कृत प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है औना, इससे शब्द बना बिछौना, खिलौना, घिनौना। प्रत्यय नी, इससे बनने वाले शब्द ओढ़नी, सूंघनी। प्रत्यय है ऊ, इससे शब्द बना झाड़ू। ग करणवाचक कृत प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करण यानी साधन रूपों की रचना होती है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है अन, इससे शब्द बने ढक्कन, झाड़न, बेलन। प्रत्यय है ना, इससे शब्द बना झूलना, ढकना, बेलना। प्रत्यय है उ, इससे शब्द बना साढ़ू। घ भाववाचक कृत प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन कृत प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है अन, इससे शब्द बने चलन, मनन, मिलन। प्रत्यय है आवा, इससे शब्द बना सुलावा, छलावा, पछतावा, दिखावा। प्रत्यय है आहट, उससे शब्द बने घबराहट, चिल्लाहट, तिलमिलाहट। प्रत्यय है आई, इससे शब्द बने लड़ाई, चढ़ाई, लिखाई, सिलाई, पढ़ाई। प्रत्यय है अंत, इससे शब्द बना भिड़ंत, घड़ंत। च क्रियार्थक कृत प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया परक विशेषण संज्ञा अव्यय या विशेष अर्थ वाली क्रियाएं बनती हैं उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता प्रत्यय से डूबता, बहता, रमता, चलता, चढ़ता, दौड़ता। ता हुआ प्रत्यय से आता हुआ, खेलता हुआ, पढ़ता हुआ, घूमता हुआ। कर प्रत्यय से शब्द बने जाकर, पढ़कर, देखकर, डूबकर। ना प्रत्यय से दौड़ना, बैठना, सोना, टेकना। तद्धित प्रत्यय, इसकी परिभाषा, तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़ते हैं। इनके योग से बनने वाले शब्द
तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के मुख्य छह प्रकार हैं। वे हैं क, अप्रत्यावाचक तद्धित प्रत्यय, इसकी परिभाषा, वंशज, अनुयायी आदि का ज्ञान देने वाले तद्धित प्रत्ययों को अप्रत्यावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है इय, इससे शब्द बने गंगेय, राधेय। य प्रत्यय से दैत्य, मरत्य। ख, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय से बंगाली, मद्रासी, गुजराती, लखनवी। इक प्रत्यय से नैतिक, धार्मिक, आर्थिक। एरा प्रत्यय से चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। ग, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है पन, उससे शब्द बने लड़कपन, बचपन, भोलापन, अपनापन। हट प्रत्यय से चिल्लाहट, चिकनाहट, कड़वाहट, गर्माहट, घबराहट, तिलमिलाहट। ई प्रत्यय से बुराई, अच्छाई, महंगाई। ता प्रत्यय से शब्द बने दास्ता, लघुता, सहनशीलता। घ, कर्तव्यवाचक तद्धित प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी व्यक्ति का व्यवसाय यानी कर्तव्य का बोध होता है उन्हें कर्तव्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे क प्रत्यय से पाठक, लेखक, लेपिक। गर या गार प्रत्यय से जादूगर, सौदागर, कामगार। कार प्रत्यय से चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार। वान प्रत्यय से गाड़ीवान, कोचवान, धनवान, बलवान। च, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन तद्धित प्रत्ययों से क्रम का बोध होता है उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे वा प्रत्यय से पांचवा, सातवां, दसवां, आठवां, ग्यारहवां। रा प्रत्यय से दूसरा, तीसरा। छ, लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन तद्धित प्रत्ययों से छोटेपन का बोध होता है उन्हें लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय से टोकरी, सुपारी, घंटी, पहाड़ी। री प्रत्यय से कोठरी, छतरी, बांसुरी। प्रत्यय से मुखड़ा, दुखड़ा, बछड़ा। ज, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन तद्धित प्रत्ययों से गुण का बोध होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय से जंगली, भारी, धनी। उ प्रत्यय से बाजारू, पेटू। ला प्रत्यय से लाडला, पिछला, धुंधला। आशा करती हूँ पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।